हेलो दोस्तों, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का पार्ट 5 क्वेश्चन हल कराया जाएगा। जो लोग इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए है। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, और उनसे सब्सक्राइब कराएं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी है, केल्विन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, यदि क्वायल पीच बोल पोल पीच से कम है तो बेंडिंग का नाम क्या होगा? ऑप्शन नंबर है आपका डी, शॉर्ट क्वायल वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? आपका ऑप्शन नंबर डी है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, बाहरी ग्राउलर। आपका अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? ऑप्शन नंबर सी है, फाइबर ग्लास। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 फेस इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी है, 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 3 फेज 36 लाट 12 क्वायल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। ऑप्शन नंबर सी है, 6 स्लॉट। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, एसी सिंगल फेस मोटर का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर है डी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, बाउंड मोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट होती है? ऑप्शन नंबर ए है, प्रतिकर्षण मोटर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है, भोजन मिक्सर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, केवीए द्वारा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, घूर्णन क्षेत्र प्रकार
अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? ऑप्शन नंबर डी है, दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आकृति मध्य दाखल वाले लिया रोटरी कन्वर्टर से कौन सा कार्य है? ऑप्शन नंबर डी है, विपरीत सेट विद्युतीय प्रवाह संकलित करता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, तुल्यकालिक कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, कैपेसिटर यानी संधारित्र। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एक्सेसरी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, डीन रेल। यह क्वेश्चन जो है लगभग सभी को पूछा जा रहा है, अभी जो पेपर हुए हैं कुछ उसमें यह क्वेश्चन 100% आया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी है, ग्रोमेंट। ये भी क्वेश्चन आया था, यह क्वेश्चन जो अभी सेमेस्टर वाले का एग्जाम हुआ था इसमें यह 24 और 25 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, सेंसर। ये भी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, निरंतर ड्यूटी ड्राइव। ये भी क्वेश्चन आपका सेमेस्टर वाले एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग सभी वीडियो को निरंतर देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और ये मेरा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्य सीट वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, 228 वोल्टेज। अगर इसी जगह 230 वोल्ट देता ऑप्शन में, 228 भी देता, तो हम अब वहां पे करते क्या 230 वोल्टेज। आज का मेरा वीडियो समाप्त होता है, आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।